नमस्कार, मैं कविता माथुर, लेक्चरर टेक्सटाइल डिज़ाइन, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर से। आज मैं आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट, जिसका कोड TD301 और ID301 है, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी। हम अपने पिछले लेक्चर्स में भी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, किंतु फिर भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके अर्थ के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। पार्टनरशिप क्या है या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक तरह का बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें कम से कम दो या दो से अधिक सदस्य मिलकर कार्य करते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक सदस्य मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को चालू कर सकते हैं और इसके अंतर्गत होने वाले समस्त लाभ और हानि उन सदस्यों के अंदर बट जाते हैं। वे सभी मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, मेंबरशिप। मेंबरशिप जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इसमें न्यूनतम दो सदस्यों की आवश्यकता होती है। दो सदस्यों से इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रारंभ किया जा सकता है और अधिकतम सदस्यों की संख्या इसमें 100 होती है। प्रत्येक सदस्य मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। वो व्यक्ति जो कानूनी तौर पर सक्षम होते हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं, अर्थात वो व्यक्ति जो कि दिवालिया हो या जो पागल हो, वो इसके मेंबर, इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। जो माइनर होते हैं उनको इसमें पार्टनरशिप में शामिल किया जा सकता है, पर उनको प्रॉफिट शेयरिंग मिल सकता है, पर वो कानूनी तौर पर इसके किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। सेकंड है इसका पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अर्थात असीमित दायित्व। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी मेंबर्स के दायित्व असीमित होते हैं। वो लोग फर्म के जितने भी डेबिट्स हैं उनके लिए सभी सदस्य मिलकर भी और इंडिविजुअली भी जिम्मेदार होते हैं। किसी भी कारण से अगर ऑर्गेनाइजेशन, अगर फर्म अपनी लायबिलिटीज़ को भुगतान नहीं कर पाती है, चुका नहीं पाती है, तो हर पार्टनर के जो पर्सनल असेट्स हैं उन असेट्स को भी क्लेम करके और क्रेडिटर अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लाभ और हानि कुछ भी हो सकता है। तो ये जो लाभ और हानि होता है ये उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्यों के, सभी पार्टनर्स के बीच में बंटता है। अगर इसका कुछ रेशियो डिसाइड पहले से किया गया हो तो उस रेशियो में, अन्यथा अगर रेशियो डिसाइड नहीं किया गया है तो सभी सदस्यों में लाभ अथवा हानि बराबर मात्रा में बंटती है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है म्यूचुअल एजेंसी, अर्थात जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की जो जिम्मेदारी होती है ये सभी पार्टनर्स द्वारा या सभी पार्टनर्स के निमित्त किसी एक पार्टनर के द्वारा ली जा सकती है। अतः इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में सभी पार्टनर्स प्रिंसिपल भी होते हैं और सभी पार्टनर्स उसके एजेंट भी होते हैं, और फर्म के जितने भी कार्य होते हैं
वो पार्टनर्स को आपस में बांध के रखते हैं, सभी पार्टनर्स के द्वारा मिलजुल के वो कार्य किए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है इसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, अर्थात रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं होता है, किंतु रजिस्ट्रेशन को रेकमेंड किया जाता है। और इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अगर संस्था का, अगर ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो, तो अगर सदस्यों में आपस में कोई असहमति हो जाए, आपस में कोई लड़ाई झगड़े हो जाए और वो एक दूसरे के अगेंस्ट में सूट फाइल करना चाहें, या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का किसी दूसरी कंसर्न के साथ, किसी बाहर वाली कंसर्न के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो वो अगर उसके अगेंस्ट केस फाइल करना चाहें, तो अगर संस्था रजिस्टर्ड है, अगर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, तो वो उस सूट को, उस केस को फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें कंटिन्यूटी की कमी पाई जाती है कुछ केसेस के अंदर। जैसे अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर बैंक्रप्ट हो जाते हैं, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का एंड हो सकता है। अर्थात किसी भी पार्टनर के किसी भी कारण से ऑर्गेनाइजेशन से हटने पर ऑर्गेनाइजेशन समाप्त हो सकती है। किंतु अगर शेष बचे हुए पार्टनर्स उसको चलाना चाहें, तो वो एक नया एग्रीमेंट करा के और उस ऑर्गेनाइजेशन को रन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, अर्थात संविदात्मक संबंध। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पार्टनर्स के बीच में आपसी संबंध रहता है। ये कॉन्ट्रैक्ट मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी, ये सारे पार्टनर्स की सहमति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई व्यक्ति अपने हिस्से को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वो बाकी सदस्यों की सहमति से, आपसी सहमति से वो किसी अन्य पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो भी कार्य होते हैं या जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो सभी पार्टनर्स की सहमति से लिए जाते हैं। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी कंट्रोल्स हैं, बिजनेस ऑपरेशन को चलाने की जितनी भी क्रियाएं हैं, वो समस्त क्रियाएं सभी सदस्यों की सहमति से संपन्न होती हैं। और सभी प्रकार की लायबिलिटीज़ के लिए भी और लॉसेस और प्रॉफिट के लिए भी सभी सदस्य बराबर रूप में जिम्मेदार होते हैं। थैंक यू।